जानते हैं उर्दू एक सिर्फ ज़बान नहीं है बल्कि उर्दू एक तहजीब का नाम है, और हमारे हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि ये उर्दू ऐसी ज़बान है जो बरसगीर में बोली जाती है, और जहाँ भी हम जाते हैं हिंदुस्तान के बाहर जब कभी भी हम उर्दू बोलते हैं तो लोग हमारी तरफ मुतवज्जे हो जाते हैं, इसलिए कि ये ज़बान में जो मिठास है वो मिठास हमारी तरफ सबको राग़िब करने और मुतवज्जो करने पे मजबूर हो जाती है। जैसा कि आप सब जानते हैं तहरीक आज़ादी में उर्दू अखबार और उर्दू जर्नलिज़म उर्दू सहाफ़त का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है, एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है, और जैसा कि पहला उर्दू का अखबार कलकत्ते से शुरू हुआ था, उसके बाद हमने देखा है कि उर्दू के काफ़ी रिसाले काफ़ी अखबार थे, और हैदराबाद से उर्दू का सबसे ख़दीम जो मुकम्मल अखबार जो माना जाता है वो है रहबर दक्कन जो 100 साल कबल शुरू किया गया था और आज जो रहनुमाए दक्कन के तौर पे जाना जाता है। आज ज़रूरत इस बात की है कि हम उर्दू ज़बान को हमारे नौजवानों तक पहुँचाए, हमारी अगली नस्ल तक पहुँचाए, और जो उर्दू ज़बान है उससे ख़ास तौर पे जो नौजवान तबका है मैं देख रहा हूँ कि बहुत दूर होते जा रहा है, तो ज़रूरत इस बात की है कि हमारे घर में अंग्रेज़ी अखबार आए हिंदी अखबार आए, साथ ही साथ उर्दू अखबार का आना इसलिए ज़रूरी है कि जब हम कोई चीज़ पे अगर नज़र डालते हैं और उसमें अगर उर्दू तहरीर हमें नज़र आती है तो मैं समझता हूँ कि हमारे जो बच्चे हैं हमारे जो उसकी तरफ मुतवज्जो होंगे, तो मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि आप उर्दू पढ़िए सीखिए अपने बच्चों को पढ़ाइए, और जहाँ तक उर्दू शायरी का ताल्लुक़ है उर्दू शायरी भी उर्दू जर्नलिज़म से बहुत करीबी तौर पर जुड़ी हुई है। मैं तो यह कहना चाहूँगा कि उर्दू न सिर्फ एक जैसा मैंने कहा ज़बान है बल्कि हमारी तहजीब है, हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जिस तरीके से हम बोलते हैं उठते हैं बैठते हैं हर चीज़ में हमें उर्दू ही उर्दू नज़र आती है, चाहे ख़ुद हम ना देख पाए मगर आगे वाला जब देखता है तो हमारी तहजीब देख के समझ जाता है कि यह तो उर्दूदा है। बस मैं फिर से एक बार उर्दू जर्नलिज़म डिपार्टमेंट मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ, और ये जो 200 साल तकारीब यहाँ पे मुनक़िद होने वाले हैं मेरी नेक तमन्नाएँ नेक ख्वाहिशात उस तकारीब के लिए है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप तमाम की जिद्दोजहद और कोशिशों से ये जो तकारीब है इंतहाई कामयाब रहेंगे। शुक्रिया।